नाजनीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्यों विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है साग वाले पराठे। जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, हर किसी को होता है कि हम लोग साग बनाएं, और साग मतलब किसी को बनाना भी नहीं आता और मतलब पसंद सबको होता है। तो आज उसी सर्दियों की सुबह साग की जो से हम वो पराठे आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पर बना रहे हैं। सर्दियों में यही होता है कि नाश्ते में कौन सा नाश्ता बनाएं। आज ये मैं बंद कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया, ये मतलब साग रख दिया, अब ये मैं बंद कर रही हूँ। आप बोलो बेटा। तो यही कि मतलब पराठों की अगर बात की जाए, क्योंकि तो पराठे तो साग के, मूली के, गोभी के, है ना, ऐसे ही है ना। हाँ जी, इसकी ना ताई ने पकाया था, अभी मैंने भी पकाना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उन्होंने पकाया था, हम एक ही घर में रहते हैं ना, तो उन्होंने दिया था। हाँ, तो फिर उन्होंने मतलब बनाया, तो हम लोगों ने अभी हम लोग भी बनाएंगे, तो अपने व्यूवर्स के साथ उसकी रेसिपी को भी शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि हम लोगों को साग बनाना नहीं आता, उसको बनाने का काम ज़रा मुश्किल होता, पकाना उसको नहीं आता लोगों को, तो इसलिए वो भी हम इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे साग की, क्योंकि सर्दियों की सुगात है और सब उसको बनाते हैं। आप उतरा दे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो सी रोटी है वो मम्मा ने डाल दी है तवे पर, और इसको हम लोगों ने बना लेना है। और साथ में आप मतलब चाहे तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अच्छा लगेगा साग के पराठे के साथ मक्खन। तो भी आप लोगों ने साइड को चेंज नहीं करना, और जब ये पक जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने जो सी इसकी वो साइड चेंज करनी है, इसके ऊपर घी लगाना है और इसको पकाना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा जो क्रिस्पी क्रिस्पी सा आपका पराठा है साग वाला, वो तैयार हो जाएगा। घी भी इसीलिए लगाया था कि जो उसका फ्लेवर अंदर से वो अच्छा बन जाए, रूखा सूखा सा ना बने, तो वो ज़रा घी लगाने से अच्छा हो जाएगा। अभी ये कच्चा बेटा इस फेस पे ना आपको। हाँ, तो इसको नहीं हम लोगों ने पलटना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा कलर आ गया है और फूल भी रहा है जो पराठा, तो बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोग भी इसको बनाएं, और सर्दियों में तो ये मतलब सुगात है, इसके तो बनाने चाहिए। तो कभी मूली का, कभी गोभी का, कभी पालक का पराठा भी बनता है, साग का भी बनता है। तो आज हमने मैं पकाऊंगी ना, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा ना सेक हो लाता है, बस डाल। अच्छा, ये देखे माचल। इसी तरह बाकी पराठे भी जो से हैं वो भी हम लोग बना लेते हैं। चलो ये भी डाल दिए माशाल्लाह। इसको वैसे पका लेते जैसे हमने अपने पहले पराठे को तैयार किया है, और फिर इनको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जो आज हम लोगों ने ये पराठे तैयार किए हैं मज़ेदार से, इनका फाइनल लुक। और आप लोगों ने हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल क्योंकि नाज़ के साथ जुड़ जाएँ, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम में जो से वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलते रहे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया। और मतलब पराठे का ये भी कि पराठे को जितना बारीक बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही लजीज होगा, उतना खाने में अच्छा लगेगा। और मतलब जो अंदर से घी इसके अंदर लगाया जाता है ना, उसके वजह से तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है खाने में और टेस्ट में। वैसे तड़का तो लगा हुआ था साग को, अदरक भी डाला हुआ था लहसुन भी। और साग तो मतलब जो सा है सही तरह से, साग तो अदरक के साथ अच्छा लगता है। हाँ, तो बस आप उसको चाहे तो पर मक्खन डाल के खा लें ऐसे, तो मतलब लस्सी का तो नहीं हो, बस सर्दियाँ लस्सी तो नहीं सही रहेगी, चाय दूध पत्ती। हाँ, दूध पत्ती बनाएं, चाय बना लें आप तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी।
अचार भी नहीं अच्छा लगता, इसका अपना ही जायका है सब का। अपना जायका इसका इतना अच्छा, तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। हाँ जी, अब इसको रिशोर करते हैं और आपको दिखा देंगे। ये तो व्यूवर्स दिए, अब हम लोगों ने मतलब कट भी कर लिया इसको। ये देखिए कितना मतलब पतला सा बारीक सा है कि जोन सा है वो इतना ऑयली भी नहीं है, बस सही है। और ये देखिए गर्मा गर्म जैसे धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म है। तो ये इसको हम लोगों ने फाइनल लुक दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को क्योंकि दांत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।